अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, यू आर वाचिंग राइज यूट्यूब चैनल एंड आई एम ज़हीर। आज हम डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में कब आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, मे बी इस मंथ ही आ जाएं। नेक्स्ट मंथ तो कन्फर्म है कि वो पाकिस्तान में आ जाएंगे। सो इसलिए जो नून लीग की एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनकी जो एक पॉलिटिकल कमेटी है वो इसके बारे में काफ़ी सोचो विचार कर रही है कि किस दिन जो है नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, कौन से इस मंथ के एंड पे आ जाना चाहिए या नेक्स्ट मंथ आना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके अंदर डिस्कशन चल रही है कि कौन सा पॉइंट वाइटल होगा नून लीग के लिए नवाज शरीफ का वापस आना। उसके लिए सबसे पहले नून लीग के अंदर जो एक थॉट पाया जा रहा है, एक माइंडसेट पाया जा रहा है कि हमें सबसे पहले एक हाई क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि जुवेद लतीफ़ साहब जो हैं नून लीग के वो उस में जो है फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं, वो उस हाइप को क्रिएट करने में काफ़ी जो है कोशिश कर रहे हैं और किसी हद तक उन्होंने वो हाइप क्रिएट कर ली। सेकंड ये है कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो गवर्नमेंट के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग जो है आपको परफॉर्मेंस देखने में मिलेगी। तो सबसे पहले ये होगा कि नवाज शरीफ आते ही जो है वो ये आर्डर कर देंगे कि रेट्स कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें, पेट्रोल की कीमत कम कर दें, बिजली की कीमत कम कर दें। सो एक बैकग्राउंड जो है वो बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ जब बाहर है तो ये रेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इतने रेट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो उन रेट्स को यकादम जो है जैसे ही वो ऑर्डर करें उतने रेट जो है कम किए जा सकें। ये जानबूझ के उतनी कीमत जो है एक्स्ट्रा रख रहे हैं ताकि नवाज शरीफ साहब जब आएँ तो ये उस चीज़ को मैनेज कर सकें। सो एक तो ये होगा कि ऐसे ही आएगा कि ये नवाज शरीफ साहब से बड़ा जो है खिदमतकार आवाम का कोई नहीं। सो इस ये एक जो है थॉट चल रहा है नून लीग के अंदर। सेकंड, नून लीग के जब जलसे होते हैं तो उनमें कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं है सिवाय मरीम नवाज साहिबा के। वो एक हैं जो कि क्राउड को, हजूम को इकट्ठा कर सकती हैं और फिर उन्हें अपनी एक आइडियोलॉजी, एक अपना थॉट, अपना एक बयानिया कन्वे कर सकती हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में आना और फिर उनका इस तरह की जो उनकी परफॉर्मेंस है उसकी वजह से अब मरीम नवाज भी अपने उस बयानी को सही तरह नहीं लेके चल पा रहे। लेकिन अब नवाज शरीफ ही नूली के पास लास्ट ऑप्शन जो है रह गए कि वो आएँ और वो जो बयानियाँ अब उनका दफन हो चुका है, एक तो उसे दोबारा वो जिंदा करें और सेकंड नूली की और नया बयानियाँ बनाने की कोशिश करेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ। एक तो ये पॉइंट। सेकंड, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जब आएंगे तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, उसमें जो ये है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन नवाज शरीफ साहब को पकड़ा नहीं जाएगा।